Hello, welcome to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good evening, students. I am Rahul Chaudhary, TGT Chemistry, SVM Ringma, Sitamarhi. Today in this class, we will discuss about the next topic, that is mole fraction. In previous videos, we already discussed about solution, type of solution, concentration of solution, molarity, molality, mole fraction, mass percent, etc. In this class, we will discuss about the next topic, that is mole fraction. इस क्लास में हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन को इस टर्म से डिनोट करते हैं हम लोग. और मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो. मोल फ्रैक्शन एक्चुअली एक रेशियो है. किसका रेशियो है? तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट में भी सॉल्यूट, कंपोनेंट में भी सॉल्वेंट. तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विद द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. मोल फ्रैक्शन जो है वो रेशियो है सॉल्यूट के मोल्स का या सॉल्वेंट के मोल्स का. किसके साथ? तो सॉल्यूशन के मोल्स के साथ. देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं ऐसे भी, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट by moles of solution. The total number of moles of solution में total number of moles of solute कितने present है, उनका जो ratio है that is called as mole fraction of solute. के respect में mole fraction of solvent is equal to moles of solvent by moles of solution. ठीक है? तो according to the definition of mole fraction is the ratio of moles of component present in the moles of solution. If we will discuss about briefly discuss about the mole fraction, तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं. सपोज करते हैं कि ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट ए और बी है, सॉल्यूट ए है और दैट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट बी. ये यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो किसमें डिसॉल्व है? सॉल्यूट हम मान लेते हैं सॉल्यूट हमारा ए है जो किसमें डिसॉल्व है? सॉल्वेंट बी में डिसॉल्व है. और ये क्या बना रहा है हम लोगों के लिए? सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बना रहा है. तो सॉल्यूट है तो जाहिर सी बात है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व है. दैट मींस कुछ मोल ऑफ सॉल्यूट जो है कुछ मोल ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व है. लेट अस सपोज नंबर ऑफ मोल, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल लेट अस सपोज दैट इज एन ए. नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एन ए है, दैट इज डिसॉल्व इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बी एन बी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है? एन बी है. दैट मींस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एडिशन ही सॉल्यूशन कहलाता है. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? एन ए प्लस एन बी. तो हम लोगों के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू एन ए बाय एन ए प्लस एन बी. दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ना, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है ना. अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो दैट मे बी एन बी बाई एन ए प्लस एन बी. ये एन बी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है और एन ए प्लस एन बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है. यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि एडिशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी ऑलवेज यूनिट. हमेशा जो है यदि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को जोड़ेंगे तो उसका सम क्या आएगा? हमेशा एक आएगा. ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? वन होगा. इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं. वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन दैट इज एन ए बाई एन ए प्लस एन बी. और ये हो जाएगा सॉल्वेंट के लिए एन बी बाई एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू वन. इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं दैट इज एन ए प्लस एन बी
इसका एलसीएम है एनए ऊपर में जाएगा एनए प्लस एनबी दोनों कट जाएगा इज इक्वल टू 1 दैट मींस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ जब एडिशन होगा दैट इज ऑलवेज 1 ठीक है तो ये हम लोग के लिए फॉर्मूले के तौर पर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन यहां क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक प्रश्न है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन हम लोगों को बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है एक सॉल्यूशन में कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड द फार्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज CCl4 कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है और जिसमें बेंजीन का जो है हम लोग को मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है बेंजीन जो है डिसॉल्व है किसमें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन टेट्राक्लोराइड इज सॉल्वेंट एंड बेंजीन इज अ सॉल्यूट तो आइए हम लोग बेंजीन का फॉर्मूला हम जानते हैं C6H6 तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं लेट अस सपोज द सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम मान लेते हैं वो सॉल्यूशन जो है 100 ग्राम में प्रेजेंट है अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 100 ग्राम में 30% जो है बेंजीन है इसका मतलब 30 ग्राम बेंजीन है और जब बेंजीन सॉल्यूट 30 ग्राम है दैट मींस सॉल्वेंट कितना है 70 ग्राम जानते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन तो 30 ग्राम बेंजीन हमारे पास है ही 70 ग्राम सॉल्वेंट होगा तब जाके सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा तो मास ऑफ CCl4 भी जब हम लोग के पास मिल गया 70 ग्राम तो अब आ जाइए हम लोग अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट निकाल लेते हैं तो मोल फ्रैक्शन हमारे लिए इजी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन ये इजी वे में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं तो मोलर मास ऑफ बेंजीन सबसे पहले हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास निकालते हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए तो C6H6 फॉर्मूला है बेंजीन का तो मोलर मास कार्बन का हम लोग जानते हैं मास होता है 12 तो 12 × 6 = 72 78 ग्राम हो जाएगा मोलर मास किसका तो बेंजीन का गिवन मास 30 ग्राम है मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास तो हम लोग के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए सॉल्यूट का 0.385 सेम प्रोसेस है किसके लिए सॉल्वेंट के लिए मोलर मास ऑफ CCl4 निकाल सकते हैं क्लोरीन का मोलर मास होता है 35.5 तो 2 क्लोरीन के लिए हो जाएगा 71 4 क्लोरीन के लिए हो जाएगा 142 और कार्बन का 12 यानी कि 154 ग्राम जो है मोलर मास ऑफ CCl4 है गिवन मास किसका दिया हुआ है CCl4 का 70 ग्राम है तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास तो नंबर ऑफ मोल हमने फाइंड आउट किया ठीक है क्वेश्चन में कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हम लोग को मोल फ्रैक्शन किसका फाइंड आउट करना है बेंजीन का साधारण सी बात है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन तो बेंजीन का टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाला है 0.385 और सॉल्यूशन का मोल्स कैसे हम लोग निकालेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ये हम लोगों ने एडिशन कर दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हम लोग ने क्या आया 0.459 थैंक यू